अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शामिर खान एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स क्लब। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जे क्वेरी। जे क्वेरी बेसिकली क्या है, जे क्वेरी क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई, जे क्वेरी के यूजेस क्या क्या हैं, वो सब जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और जे क्वेरी जो है वो हमारा न्यूएस्ट टॉपिक है। हमने लास्ट क्लास में जो है वो बूटस्ट्रैप के कुछ रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्रिएट किए थे, और अब हम बूटस्ट्रैप से ऑलमोस्ट आज़ाद हो चुके हैं तकरीबन, सही है। तो अब जो हमारा है वो जे क्वेरी की तरफ हम कम्प्लीटली, हमारा जो नेक्स्ट टास्क होंगे वो सारे के सारे जे क्वेरी से रिलेटेड होंगे। अब जे क्वेरी के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जैसे जे क्वेरी का मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर जो है हम उसके इंट्रोडक्शन के बाद जो है उसके सिलेक्टर्स देख लेंगे। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उसके इवेंट्स क्यों होते हैं, जे क्वेरी के फायदे क्या होते हैं, इनके नुकसान वगैरह, सही है। तो प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी देख लेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन की तरफ देख लेते हैं कि जे क्वेरी जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों करवाई गई। अब हमारा जो जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट थी, जे क्वेरी जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइब्रेरी है, सही है। लाइब्रेरी मतलब, जो जिन जिन स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी का नहीं पता वो जरा सुन लें। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के जो बड़े बड़े मेथड थे, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टेक्स्ट नेम, और जो इवेंट्स थे ऑन क्लिक, सही है, ये सारे जो इवेंट्स थे हमारे पास, ये सारे हमारे पास काफ़ी लेंदी इवेंट्स थे जिनको लिखने में काफ़ी टाइम लगता था। तो हुआ ये कि उन सारे जो भी हमारे पास मेथड्स वगैरह थे, जो लेंदी मेथड्स हुआ करते थे, सही है, उन सारे मेथड्स को एक फंक्शन के अंदर बंद किया गया, और उस उन सारे फंक्शंस की एक फाइल बना दी गई, एक फाइल क्रिएट कर दी गई, जिसको जिस फाइल का नाम है जेक्वेरी। अब सिमिलरली जेक्वेरी के भी वही तीन सीडियंस जो हमारे बूटस्ट्रैप के थे, वही उठा के हम लोग जो है वो सॉरी जेक्वेरी के अंदर, जेक्वेरी की फाइल के अंदर इंसर्ट करवा देंगे, और हमारे पास बिल्कुल वही सारी चीजें वैसे की वैसे ही एग्जीक्यूट होंगी, कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा हमें। तो जेक्वेरी का आपको फायदा ये हो गया कि सारी वो चीजें जो लेंदी स्टेटमेंट्स थी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, अब हमें उन लेंदी स्टेटमेंट्स को डील करना आ गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी जो था हमारे पास, अब हम लोग ये लिखा करते थे पूरा कि जो भी एचटीएमएल के अंदर हमारी आईडी डिफाइन हुई भी होती थी, जिस भी टैग के अंदर, हम लोग जेक्वेरी के अंदर आके लिख सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर आके लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आईडी का नेम डिफाइन किया करते थे। तो अब हमारे पास जेक्वेरी के अंदर शॉर्ट एंड सिंपल टर्म इस तरीके से इस्तेमाल होगी कि शॉर्ट एंड सिंपल टर्म ये है कि जो भी एचटीएमएल के अंदर आपको, जिस भी टैग के अंदर आपने आईडी दी हुई है, सही है, अब वो जो आईडी आपने दी है उसको जे क्वेरी के अंदर आप एक्सेस इस तरीके से करोगे कि हैश लगा दोगे, सिंपल, जैसे हम लोग सीएसएस के अंदर करा करते थे, आईडी के लिए हैश लगाया करते थे, क्लास के लिए डॉट लगाया करते थे, और टैग के लिए पूरा टैग का नेम लिखा करते थे। सिमिलरली पूरा का पूरा वही काम इधर भी एग्जीक्यूट होगा, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करने वाली पंचायत से बच जाएंगे हम लोग, सही है। तो ये सारी चीजें थी जो हमारी जो है वो बूटस्ट्रैप कह रहा हूँ, जे क्वेरी के अंदर जो है वो इंसर्ट होकर आई हैं, जो हमारे मेथड्स को, लेंदी मेथड्स को इजी कर देती है, सही है। ये हो गया जे क्वेरी का इंट्रोडक्शन के जे क्वेरी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसका असल मकसद क्या था, सही है। जे क्वेरी के इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो मैं आ जाता हूँ जे क्वेरी के एडवांटेजेस भी तकरीबन इसी के अंदर कवर हो गए इंट्रोडक्शन के अंदर ही, कि हमारे पास जो भी हमारे पास जैसे, हाँ, अब जे क्वेरी के मैं बेसिक स्ट्रक्चर पहले एक आप लोगों को समझा देता हूँ। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, सही है। बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं जे क्वेरी के, मैं सबसे पहले एक नया नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, सही है। एक नया फोल्डर मैंने जो है वो यहाँ पे जे क्वेरी के नाम से क्रिएट कर लिया। अब ये फोल्डर जो है वो मैं अपनी वीएस कोड से खोलूंगा। ये मैं अपने वीएस कोड पे गया, फाइल पे गया, सॉरी फाइल पे गया,
ओपन फोल्डर पे गया, डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद जेक्वेरी कहीं दिख रहा है ये रहा, सही है। जेक्वेरी किया, सिलेक्ट फोल्डर किया, तो हमारे पास जो है वो जेक्वेरी का फोल्डर ओपन हो चुका है, सही है। अब हमने क्या किया भाई, न्यू फाइल क्रिएट करी और इसके अंदर भी क्या लिख दिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सही है। ये हमारे पास जो है वो सिंपल एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, सही है। अब जो है वो मैं सी डी एन इम्पोर्ट करवा देता हूँ। ज़रा सी डी एन्स कहाँ से इम्पोर्ट करवाऊँ मैं, यहीं से ही उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, एक मिनट। जैसे प्रैक्टिस, इसको खोल लेता हूँ मैं, ओपन विथ कोड, और यहाँ पे जो है वो हमारे बूटस्ट्रैप के सीडीएन्स इंक्लूड हुए हुए हैं, इनको यहाँ से मैंने कॉपी किया। सिमिलरली जो है वो यहाँ से इसको मैंने कैंसिल आउट किया, और यहाँ पे आके जो है वो अपने सीडीएन्स मैंने इंपोर्ट करवा दिए, सही है। इसको मैंने सेव किया, और इसको जो है वो अब ये जो है हमारी जेक्वेरी के जो है वो सीडीएन यहाँ पे डाला हुआ है, सही है। 3.5.1 मतलब थर्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम लोग जेक्वेरी का, सही है। अच्छा जी, अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर पहले आप लोगों को जेक्वेरी का डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद काफ़ी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम लोग एक स्क्रिप्ट का जो है वो टैग क्रिएट कर लेते हैं, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, डॉलर। ये डॉलर साइन जो है ये है जेक्वेरी का रूल, सही है। रूल मतलब के विदाउट डॉलर साइन यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट एज अ जेक्वेरी फाइल, सही है। आप जेक्वेरी की कोडिंग नहीं कर सकते जब तक आप डॉलर के साइन को रिप्रेजेंट नहीं करवाएंगे, तो इसी वजह से डॉलर का साइन जो है वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, सही है। डॉलर का साइन आ गया, डॉलर के साइन के बाद जो है वो मैंने ब्रैकेट डिफाइन कर दी है, ब्रैकेट के अंदर आएगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्यों डाल रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट इस वजह से कि हम लोग रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि भाई हमारा जो भी डॉक्यूमेंट मतलब बॉडी डॉक्यूमेंट, दरअसल हम लोग करा करते थे ना एचटीएमएल के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी एचटीएमएल नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब हमारी बॉडी पर जो है जो भी टेक्स्ट होता था वो लिखा हुआ आ जाता था पूरी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट दरअसल हमारा एक सिलेक्टर है, सही है। डॉक्यूमेंट क्या है, सिलेक्टर, और मैंने बाहर क्या लिख दिया, रेडी का मेथड मैंने इस पे अप्लाई किया। रेडी का मतलब कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट जेक्वेरी की फाइल ये बोल रही है कि जो भी इसके अंदर, जैसे मैंने इधर H1 सपोज करें, मैंने H1 लगा दिया और लिख दिया मैंने लर्निंग जेक्वेरी, सही है। अब स्क्रिप्ट की फाइल ये कह रही है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी है, H1 का टैग है ना फिलहाल, तो वो बोल रही है डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी है पहले वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद रेडी का फंक्शन चल जाएगा। और रेडी का मेथड है क्या, रेडी का मेथड चल जाएगा, सॉरी। रेडी के मेथड के अंदर क्या अप्लाई कर दूंगा, मैंने अप्लाई कर दिया एक एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, एनोनिमस फंक्शन मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस फंक्शन का हमारे पास कोई नेम नहीं होता, सही है। इसका हम कोई नेम डिफाइन नहीं करते, सही है। तो मैं एक बार वापस आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या आया, डॉलर का साइन आया। डॉलर का साइन इस वजह से क्योंकि वो रूल को रिप्रेजेंट करवा रहा है जेक्वेरी के, विदाउट डॉलर साइन यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट एज अ जेक्वेरी फाइल। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इसको रिप्रेजेंट करवा रहा है कि जो भी हमारे पास एचटीएमएल के अंदर कोडिंग वगैरह हुई हुई है, डॉक्यूमेंट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है। डॉट रेडी मतलब हमने रेडी का एक मेथड अप्लाई कर दिया कि जब डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीजें एग्जीक्यूट हुई हुई है, H1 का टैग लगा हुआ है फिलहाल, तो रेडी का मेथड ये कह रहा है कि पहले H1 का टैग चल जाए आराम से, पहले वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद ही रेडी के मेथड के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। और रेडी के मेथड के अंदर क्या है, एक सिंपल मैंने एनोनिमस फंक्शन लगाया हुआ है। एनोनिमस फंक्शन मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ,
एनोनिमस फंक्शन मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है, सही है। याद है हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है पहले फंक्शन बनाया करते थे, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते थे, जैसे ये कीवर्ड यूज हुआ है, फिर उसके आगे उसका फंक्शन उस फंक्शन का नेम आया करता था, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स आया करते थे, तो वो हम सब अब नहीं कर रहे हैं, उस पंचायत से हम लोग बच गए हैं। हमें ने एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करना है और जो है वो हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, सही है। ब्रैकेट्स लगाने के बाद जो है हमारी जे सॉरी फंक्शन की जो है वो बॉडी डिफाइन करने के लिए हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स लगाया करते थे, सही है। तो यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे और ये मैंने एंटर लगा दिया, सही है। अब क्या बोल रहा है वो कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट मतलब कि H1 रेडी हो जाए तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो। अब वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो, वो यहाँ पे इस लाइन के अंदर आप जो भी उससे फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे वो फंक्शन परफॉर्म कर देगा। लेट से सिंपल अलर्ट जनरेट करवा देते हैं फिलहाल के लिए, तो अलर्ट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, सही है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना मत भूलिएगा, टर्मिनेटर लगा दिया मैंने दोनों जगह पे। अब वो क्या करेगा, पहले H1 को रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद अलर्ट जो है वो जनरेट हुआ हुआ आएगा। तो अब जब मैं इसका आउटपुट आपको शो करूंगा तो आपको गौर करने की जरूरत है इस पे। मैंने कॉपी पाथ करी इसकी और कॉपी पाथ के बाद जो है वो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया आपने गौर किया होगा कि लर्निंग जे क्वेरी पहले लिखा हुआ आ गया, अलर्ट कुछ माइक्रोसेकंड्स बाद आया है। अगर आपने देखा नहीं तो मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखिएगा जरा, अब गौर करिएगा, सही है, कुछ सेकंड, बिल्कुल कुछ माइक्रोसेकंड्स बाद जो है वो हमारे पास अलर्ट जनरेट हुआ है H1 आ जाने के बाद, सही है। तो यही काम जो है वो कर रहा है रेडी का मेथड। रेडी का मेथड क्या कर रहा है कि H1 को पहले एग्जीक्यूट करवा दिया, उसके बाद जो भी हमने फंक्शन के अंदर इसके अंदर लिखना है वो एग्जीक्यूट करवाएगा उसको कुछ माइक्रोसेकंड्स बाद, HTML के डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, सही है। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको, सही है। तो ये हो गया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम लोग HTML के इवेंट्स पे, सही है। इवेंट्स पे मैं आ जाता हूँ लेट से, तो इवेंट्स के लिए जो है वो मैं कुछ इस तरीके का कर देता हूँ। चले सही है, इवेंट्स के लिए मैं कुछ इस तरीके का कर देता हूँ कि मैं यहाँ से अलर्ट को हटा देता हूँ, सही है, और मैं सबसे पहले ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करवा देता हूँ। मैंने H1 के टैग के अंदर जो है वो एक बटन क्रिएट कर लिया, सही है। एक बटन पे मैंने लिख दिया कि भाई क्लिक, और अब ये बटन जो है इसको मैं ID डिफाइन कर देता हूँ। एक ID डिफाइन कर दी मैंने B1 के नाम से, सही है। अब जरा गौर करिएगा, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल इस बटन के क्लिक पे मैं चाह रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। तो अब देखिएगा, इसको मैं पहले रेंडर करता हूँ, मैंने इसको रेंडर किया। मैं चाह रहा हूँ मैं जैसे ही ये बटन क्लिक करूँ ना, तो ये जो लर्निंग जे क्वेरी जो ब्लैक हुआ हुआ है ना, ये इसका कलर हो जाए लेट से रेड, सही है। इस H1 का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट पास करवाना पड़ेगा जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर करवाते थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले हमें क्या करना पड़ता था, एक फंक्शन बनाना पड़ता था, फंक्शन के अंदर जो है उसकी CSS की प्रॉपर्टी लगती है उस पे, और CSS की प्रॉपर्टी जब लग जाती है तो उस फंक्शन का नेम से हम लोग फिर उस बटन पे जाके उसके ऑन क्लिक पे उसको कॉल करवाते थे फंक्शन को। तो ये सारी पंचायतों से हम लोग बच जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे अब ये देखिएगा, मैंने सबसे पहले डॉलर का साइन लगाया ये बताने के लिए जेक्वेरी है ये। डॉलर के बाद जो है वो मैंने ब्रैकेट्स बनाए और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने B1 डिफाइन कर दिया। B1 क्या है हमारी, B1 क्या है बटन की ID। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि हमें जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिंपल क्या करना है, CSS की तरह हम लोग अगर ID है तो हैश लिख देंगे, क्लास है तो डॉट लिख देंगे, और सिंपल अगर टैग है तो टैग का नेम लिख देंगे, सही है। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ID, तो ID के लिए हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, हैश, सही है।
इस वजह से यहाँ पे है शायद, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी डिफाइन करी हुई है। अगर मैं ये आईडी नहीं होती, अगर इस आईडी की जगह पे क्लास होती, तो हम इस हैश की जगह पे क्या असाइन करते, डॉट। सही है। अच्छा, अब ये मैंने इसको बटन के जरिए, सॉरी आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया इस बटन को, और मैं इस पे कौन सा इवेंट लगाऊंगा, क्लिक का। याद है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारे पास कौन सा इवेंट लगता था, ऑन क्लिक का। इसके अंदर सिंपल क्या है, क्लिक का। ये भी आसानी आ गई भाई हमारे पास। अब जैसे ही बटन क्लिक किया जाए, तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो, और वो फंक्शन कौन सा होना चाहिए, वापस से एनोनिमस फंक्शन ही होना चाहिए। तो एनोनिमस फंक्शन परफॉर्म हो। अब फंक्शन के अंदर मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं, तो इसका कलर, H1 का कलर जो है वो रेड हो जाए। सही है। तो मुझे ये काम परफॉर्म करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है वो डॉलर का साइन लगा देता हूँ, और डॉलर के साइन की जगह जो है इधर मैं क्या लगा दूंगा, H1। सही है। अच्छा, अब जरा समझने की बात है इसके अंदर, जरा से समझिएगा बात को। H1 जो है ना, H1 है सिलेक्टर हमारे पास। सही है। तो H1 जो है, और सिमिलरली B1 भी क्या था हमारे पास, सिलेक्टर था। सिमिलरली डॉक्यूमेंट भी हमारे पास क्या था, सिलेक्टर था। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आती है ना, वो सब क्या होते हैं हमारे पास, सिलेक्टर्स होते हैं। सही है। अच्छा जी, अब H1 जो है वो सिलेक्टर मतलब, सिलेक्टर का मतलब होता है कि आपको जिस चीज को टारगेट करना है। अब HTML के अंदर जो है वो मुझे किस चीज को टारगेट करना है, इस H1 को। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, H1 को। सही है। और H1 क्या है, हमने H1 को कैसे रिप्रेजेंट करवाया, सिर्फ टैग नेम से। तो टैग नेम पे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना डॉट और ना ही हैश लिखने की जरूरत है। हाँ, इसको आईडी अगर असाइन की हुई होती, या फिर इसको क्लास असाइन करी हुई होती, तो आप जो है वो उधर हैश भी लगाते या डॉट भी लगाते, मर्जी। सही है। अभी मैं इस पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, CSS। सही है। CSS पे मैं किस तरीके से अप्लाई कर दूंगा इसके अंदर, CSS के लिए मैं इसका कलर जो है वो डिफाइन कर दूंगा। लेट से कलर क्या चाहिए मुझे, मुझे इसका कलर चाहिए रेड। सही है। अब देखिएगा, CSS की मैंने क्या डिफाइन कर दी, कि मुझे कलर चाहिए किसका, H1 का, क्योंकि H1 यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास। H1 का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो अब जरा फोकस करिएगा, सेव किया इसको मैंने, इसको मैंने रेंडर किया, और अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, तो इसका कलर जो है वो रेड हो गया। सही है। ये समझ आया आपको, मैंने बेसिक इसके अंदर जो है वो सिर्फ ऑन क्लिक का इवेंट पास करवाया है। सही है। अच्छा जी, अब लेट से ऑन क्लिक नहीं, बल्कि डबल क्लिक है। सही है। तो डबल क्लिक के लिए क्या करेंगे, हम DBL लिख देंगे। अब इस बटन के डबल क्लिक पे जो है वो उसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखिएगा, सेव किया इसको मैंने, इसको रेंडर किया, सिंगल क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। डबल क्लिक करूंगा तो कुछ होगा। डबल क्लिक किया है तो ही लर्निंग जेक्वेरी जो है उसका कलर रेड हो गया। सही है। अब और भी इवेंट्स चेक कर लेते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं कि ये H1 नहीं है, बल्कि इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, और मैं एक डिफ क्रिएट कर देता हूँ। सही है। एक डिफ क्रिएट कर दिया मैंने, और इस डिफ के अंदर जो है वो मैंने कंट्रोल प्लस वी कर दिया। अच्छा, ये बटन भी मैं इसी के अंदर कर देता हूँ ना, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी कर दिया। सही है। और जो है इसको मैंने क्लास असाइन कर दी कंटेनर की, बूटस्ट्रैप की कंटेनर की। सही है। अब इसको सेव कर लेते हैं, और इसको रेंडर कर लेते हैं। सही है। अभी मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो ये इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास डिव है, ये जो भी मेरे पास डिव कंटेनर बना हुआ है ना, एक डिव है, मैं जैसे ही अपना कर्सर इस डिव पे लेके जाऊं, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। समझ रहे हैं बात को क्या, जैसे ही मैं अपना कर्सर इस डिव के अंदर लेकर जाऊं, सही है, तो उसका कलर चेंज हो जाए। सही है। तो इसके लिए हम कुछ ये करेंगे। अच्छा, मैं डबल क्लिक को इसमें रहने देता हूँ। सही है। अच्छा, डबल क्लिक को मैं रहने देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ
सबसे पहले तो मैंने एक डॉलर का साइन क्रिएट कर दिया, और डॉलर के साइन के अंदर जो है वो मैं एक सिलेक्टर चूज कर लेता हूँ। सिलेक्टर क्या होना चाहिए? डिव। सही है, एक ही डिव है, तो मैं डायरेक्टली टैग नेम से इसको एक्सेस कर लेता हूँ, वरना आप क्लास भी लगा सकते हैं, आईडी भी लगा सकते हैं। सही है, डिव कर लिया मैंने एक्सेस, या फिर आप डॉट कंटेनर भी लिख सकते थे क्योंकि क्लास मैंने इसको पहले से असाइन करी हुई है। अच्छा जी, डिव बनाया मैंने और डॉट लिखा इसके अंदर। डॉट के बाद मैं इस पे माउस एंटर का जो है वो इवेंट पास करवा रहा हूँ। सही है, माउस एंटर का मैंने इवेंट इसके अंदर पास करवा दिया, और माउस एंटर पे जैसे ही माउस एंटर हो तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो, और फंक्शन जो है वो एनोनिमस होना चाहिए। एनोनिमस के बाद जैसे ही जो है वो माउस में एंटर करवाऊं तो क्या हो, सबसे पहले तो ये देखना है ना कि हो क्या। सही है, क्या हो क्या। अच्छा, होना ये चाहिए कि दिस मतलब डिव का। अच्छा, मैं दिस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस जो है ना वो हम तब लगाते हैं जब हमें यही चीज वापस से नीचे चाहिए होती है। अब मैं दिस की जगह पे डिव भी लगा सकता था क्योंकि मुझे डिव का ही बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना है ना, तो मैं डिव का ही अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना है तो मैं दिस की जगह पे डिव भी लगा सकता था, लेकिन दिस भी लगा सकता हूँ। दिस का मतलब ये होता है कि जब यही चीज वापस से आपको एग्जीक्यूट करवानी हो यहाँ पे। सही है, तो दिस हम लगाते हैं, बेहतर अप्रोच यही है कि दिस लगाया करें। सही है, तो दिस लगाया मैंने, और दिस पे मैंने कह दिया कि सी एस एस अप्लाई हो जाए। सी एस एस में क्या अप्लाई हो भाई? सी एस एस में कुछ इस तरीके से अप्लाई हो, बैकग्राउंड डैश कलर जो है वो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए लेट से ग्रीन। सही है, ग्रीन हो गया। सही है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको रेंडर कर लेते हैं इफ यू कैन सी। तो ये वापस से मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ, वापस से मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसके इस डिव के ऊपर जो है वो कर्सर लेकर जाऊंगा, इसका कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। सही है, मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सही है, तो ये जो था वो हमारा था माउस एंटर। सिमिलरली अगर आपको माउस लीव की जो है वो चीजें अप्लाई करनी है तो आप क्या करेंगे, इसको मैंने लेट से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और माउस एंटर की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, माउस लीव। सही है, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन की जगह क्या करवा देते हैं भाई, लेट से ब्लैक, चलिए ब्लू करवा देते हैं। ब्लू करवा दिया मैंने, सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो ये देखिएगा, मैंने एंटर किया ग्रीन हो गया, अब मैं जैसे ही लीव करूंगा ब्लू हो जाना चाहिए। जैसे ही लीव किया ब्लू हो गया, अब मैं जैसे ही क्लिक पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका लर्निंग जेक्वेरी क्या हो जाएगा, रेड हो जाना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरा। सही है, अच्छा जी, अब तकरीबन मैंने अच्छे खासे जो है वो इवेंट्स आप लोगों को समझा दिए इसके अंदर। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लेट से मैं कुछ इस तरीके का करवाता हूँ, जैसे की प्रेस। सही है, अब मैंने जो है ये डिव जो है ये रिमूव करवा देता हूँ। सही है, ये डिव मैंने रिमूव करवा दिया, और इसको जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ। सही है, और इसको जो है वो मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि सही है, मैंने एक डॉलर साइन बनाया और इसके अंदर जो है वो मैंने पास करवा दी बॉडी। सही, बॉडी पे मैं कुछ अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। बॉडी पे मैं क्या अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, डॉट की प्रेस या की डाउन, बात एक ही है। की प्रेस और की डाउन बात एक ही है कि जैसे ही कोई भी की प्रेस करी जाए या फिर डाउन उसको लेके जिस बात ही हो गया, मैं एक मिनट जरा हाँ, तो की डाउन या की प्रेस बात एक ही है। सही है, जैसे ही कोई भी की प्रेस करी जाए या डाउन लेके जाया जाए इसको, तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो की डाउन का मैंने
इसके अंदर इवेंट पास करवाया और इसके अंदर मैं उस पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा देता हूँ। फंक्शन भी एनोनिमस होना चाहिए इसका, और कोई ना कोई फंक्शन कौन सा परफॉर्म करवाऊंगा मैं, लेट्स से मैं इसके अंदर लिख देता हूँ दिस डॉट CSS। CSS में क्या करवा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर कॉमा रेड करवा देते हैं, तो ये सब कुछ लाल हो जाए। अच्छा जी, वैसे आजकल मेरी भी लाल हुई है। इसको मैंने रेंडर किया, सही है। अब मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। ये मैंने जैसे ही प्रेस किया, अभी मैंने एंटर ये प्रेस किया हुआ है इसको, तो ये इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अच्छा, ये मैंने एक बार प्रेस कर दिया था और मैंने जब हटा भी लिया ना ये, तब भी इसका कलर रेड ही रहा। अब मुझे इस पे दूसरा फंक्शन ये लगाना है कि मैं जैसे ही छोड़ दूँ ना अपने, मतलब होल्ड ना रखूँ, होल्ड करके मैं छोड़ दूँ अपने की को, तो इसका जो कलर है वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए। तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे इसकी जगह पे, मैंने इस पे पहले तो टर्मिनेटर लगाया, इसको मैंने जो है वो कॉपी किया कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी किया, सही है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने इधर आके पहले तो वाइट कर दिया, वाइट कर दिया, और इस पे मैं की डाउन नहीं बल्कि अब लगाऊंगा की अप। इसको सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो अब जरा देखिएगा, गौर करिएगा, मैंने शिफ्ट दबा रहा हूँ। अब मैं शिफ्ट पे मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, अभी अभी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब की डाउन ही है अभी, मेरी की प्रेस हुई हुई है। अभी मैं जैसे ही हटाऊंगा ये वाइट हो जाएगा वापस से। एक मिनट, वो उसके फिल्टर लग गया एक तो उस पे। हाँ, वापस से मैं एंटर किया मैंने, एक मिनट यार, वापस से इसको रेंडर कर लेते हैं। रेंडर किया मैंने इसको, सही है। जैसे मैंने एंटर किया तो उसका कलर रेड हुआ, अभी मैं हटाऊंगा तो देखिएगा, जैसे ही हटाया इसका कलर वापस से क्या हो गया, वाइट हो गया। तो ये जो है वो हमारी की प्रेस और की अप वगैरह जो है वो उसका ये काम हो रहा है, सही है। अच्छा जी, ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट और सबसे लास्ट चीज़ है, फोकस और ब्लर का इवेंट, सही है। फोकस और ब्लर का इवेंट जो है वो ज़्यादातर हमारे हमारे पास जो है वो अप्लाई होता है इनपुट फील्ड पे। जैसे जैसे बॉडी के अंदर आया मैं, और बॉडी के अंदर मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर दी। इनपुट फील्ड हो गई टेक्स्ट की क्रिएट, और एक बटन क्रिएट कर दिया भाई इसके अंदर मैंने, बटन क्रिएट कर दिया और बटन पे मैंने लिख दिया क्लिक, सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इधर आया, मैंने कहा कि जैसे ही, एक मिनट, हाँ, जैसे ही मैं जो हूँ वो, पहले तो मैंने डॉलर साइन क्रिएट कर लिया, फिर मैं इसको क्या करूँगा भाई कि इनपुट को एक्सेस करूँगा मैं, इनपुट को एक्सेस किया मैंने, सही है। ये भी मैंने इनपुट को कोई क्लास या कोई आईडी नहीं डिफाइन करी हुई थी, इसीलिए मुझे सिर्फ टैग नेम एक्सेस करना पड़ा। इनपुट डॉट इनपुट पे मैं क्या लगा दूंगा, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, डॉलर लगाया मैंने, और डॉलर के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, किसी मैं बटन पे क्लिक करूँ, सही है। तो मैंने क्या किया, डॉलर लगाया मैंने, बटन का टैग नेम दे दिया इसके अंदर, सही है। और मैंने कहा मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँ तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो, फंक्शन क्या होना चाहिए, एनोनिमस होना चाहिए, फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और हमारे पास जो है ये, हाँ, अब फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो, सही है, फंक्शन किस पे परफॉर्म हो पहले तो ये देखना है हमें, फंक्शन परफॉर्म हो हमारी इनपुट फील्ड पे, सही है। तो इनपुट फील्ड क्या है हमारी, इनपुट फील्ड को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, इनपुट के नाम से डायरेक्टली सिलेक्टर हमारा, और इस पे मैं डॉट लगा के उसको ये बता देता हूँ कि इस पे लगा रहा हूँ मैं फोकस का इवेंट। फोकस से मैंने उसको ये एक्सप्लेन कर दिया किसको, इनपुट को, कि मैं जैसे ही तुम पे फोकस करूँ, मतलब मैं जैसे ही इनपुट पे क्लिक करूँ, अपनी इनपुट फील्ड पे जो है वो क्लिक करूँ, तो मेरे पास क्या परफॉर्म हो जाए मेरे पे, सॉरी, मैं अपनी इनपुट फील्ड पे जैसे ही फोकस करूँ, जैसे ही क्लिक करूँ, तो उस पे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाए, और वो फंक्शन क्या होना चाहिए,
इस पे मैंने लिख दिया फंक्शन, सही है। और इधर मैं क्या लिख दूंगा, डॉलर का साइन वापस से, और इधर क्या आ जाएगा, दिस मतलब इनपुट फील्ड पे ही डॉट सी एस एस, सही है। सी एस एस पे क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका, बैकग्राउंड डैश कलर इसका क्या हो जाए, इसका हो जाए रेड। आप बोलेंगे यार वो रेड 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 ही करवाता रहता, अब क्या करूं यार, चलो इसको पिंक कर देते हैं, और जो हमारी लेडीज खवातीन जो लेडीज यूजर हैं हमारे वो खुश हो जाएंगे थोड़े। सही है, मैं आपको बता दूं कि मुझे पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं, कि आप लोगों को कहीं शक होने लग जाए। सही है। अच्छा फिलहाल मैंने इस पे पैरामीटर लगा दिए सब पे, तो फोकस से मेरा क्या होगा कि इनपुट फील्ड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक। दिस का मतलब इनपुट फील्ड ही मेरी, सही है। मैं इनपुट भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन बेहतर है कि उसको रिपीट ना किया जाए, सिलेक्टर को दिस लिख दिया जाए उस पर। इसको सेव किया, इसको मैंने, इसको रेंडर कर लेते हैं। इसको जैसे ही मैंने रेंडर किया तो मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ रही है, एक क्लिक का बटन आ रहा है। अब जरा फोकस करिएगा, ठीक, सही है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इस वजह से क्योंकि हमने गलती करी हुई है। ऑन क्लिक का फंक्शन इस पर नहीं फोकस, सॉरी, ऑन क्लिक का इस पर नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऑन क्लिक का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, एक बटन पे क्लिक करवाओगे और फिर उसका जो है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तब उसका जो भी कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज होगा। सही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सही है, एक काम करता हूँ, सही, इसको हटा देते हैं। सही है, इसको मैंने रिमूव कर दिया और इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। सही है, अब सही है, इनपुट फील्ड पे मैंने सेव किया, इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर रेंडर किया तो अब जरा गौर करिएगा, ये मैंने क्लिक किया और इसका कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। सही है, तो ये सब चीजें जो थी वो हमारी थी फोकस की। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही कहीं और क्लिक करूँ तो उसका कलर वापस से जो था वही हो जाए, बाय डिफॉल्ट जो जो भी था कलर उसका वही हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे से सिलेक्ट किया, सही है, इसकी कंट्रोल सी और कंट्रोल इधर मैंने वी किया, और इस पे मैंने क्या लगा दिया, फोकस की बजाय मैंने इस पे लगा दिया ब्लर। ब्लर से क्या होगा कि उसका जो भी बाय डिफॉल्ट पहले कलर था वो उसको उसके हिसाब से ढाल लेगा, चेंज कर लेगा मतलब। सही है, ये मैंने क्लिक किया, इसका कलर पिंक हो गया। टाइपिंग वगैरह कर लेने के बाद मैंने इस पे हटाया, कहीं बाहर जाके कोई कुछ भी बटन वगैरह क्लिक किया तो उसका कलर जो है वापस से वाइट हो गया, एज यू कैन सी। सही है, यहाँ तक जो थे हमारे वो इवेंट्स थे। मैंने आपको इवेंट्स बहुत डिटेल में करवा दिए, माउस एंटर, माउस लीव, क्लिक, डबल की डाउन, की अप, की प्रेस, और अपना फोकस, ब्लर। सही है, ये तकरीबन मैंने आपको सभी कुछ, सारे ही इवेंट्स पास करवा दिए हैं। मैंने आपको सिलेक्टर्स के बारे में डिफाइन कर दिया है, सिलेक्टर्स के अलावा मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसके अंदर डिफाइन कर दिया जेक्वेरी का। बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा जो है वो मैंने इसके अंदर आपको जेक्वेरी का इंट्रोडक्शन भी दे दिया, जेक्वेरी के प्रोज कॉन सब कुछ आपको मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिए। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर।